तो आप भी देखना चाहेंगे कि हमने इस आइसक्रीम को बिना मार्केट से चॉकलेट लाए किस तरह से चॉकलेटी बनाया है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए और उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं किस तरह से हमने ये चॉकलेटी आइसक्रीम को बनाया है, तो आइए देखिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी आइसक्रीम जिसमें ना कोई कंडेंस मिल्क है, ना कोई व्हिप्ड क्रीम है और ना ही हमें बाज़ार से चॉकलेट लाने की ज़रूरत है। तो आज हम बनाएंगे चॉकलेटी आइसक्रीम, तो आइए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है ये 2 ग्लास दूध और ये 1/2 किलो के लगभग दूध है और ये फुल फैट होना चाहिए, तभी हमारी आइसक्रीम एकदम क्रीमी बनेगी। अब हम दूध को उबलने के लिए रख देते हैं। तो ये हमने दूध को उबलने के लिए गैस पर रख दिया है। अब हम दूध को अच्छे से उबाल लेते हैं। मेरे पास 1/2 कटोरी मलाई रखी हुई थी, इसे भी मैं इस दूध में डाल देती हूँ ताकि दूध हमारा और अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें कोई व्हिप्ड क्रीम नहीं डाल रहे हैं। बस इसी तरह से हमें दूध को उबाल कर गाढ़ा करना है। तो ये हमारा दूध उबलना शुरू हो चुका है। अब हम एक कटोरी में दूध निकाल लेते हैं। अब इसे हम और अच्छे से उबलने देंगे। ये दूध ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच कोको पाउडर और ये 1/2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और ये 1 चम्मच बोनविटा। इससे चॉकलेटी आइसक्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये 1 चम्मच मिल्क पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। किसी भी चम्मच से या विस्कर से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इस उबलते हुए दूध में हमारे इस मिक्सर को डाल देते हैं। धीरे धीरे करते हुए हमें इस मिक्सर को डालना है और इसे अच्छे से हिला लें ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। बस अब इसे हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये तले से चिपके नहीं। और इसे हमें अभी और पकाना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। तो ये हमारा दूध गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये 1 कटोरी शक्कर। लो टू मीडियम पर ही हमें इसे पकाना है। तो ये हमारा आइसक्रीम मिक्सर गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अगर आप इलायची पाउडर पसंद करते हैं तो इसमें डाल सकते हैं। अब हमें इसे ठंडा करना है, लेकिन इसे ठंडा करने की भी एक ट्रिक है जिससे कि आइसक्रीम में थोड़ा सा और क्रीमीनेस आ जाएगा। तो आज हम आपको वो ट्रिक बताते हैं। अब हमें इसे ट्रांसफ़र करना है एक गहरे बर्तन में। कोई भी तपेली जो थोड़ी गहरी हो उसमें हमें इसे डालना है। ये हमने एक बर्तन और ले लिया है। बस अब इसी तरह से हमें इसे ट्रांसफ़र करना है इस तपेली में और थोड़ी ऊँचाई से हमें इसे डालना है। 5-6 बार हमें यही स्टेप करना है। मिक्सर भी हमारा ठंडा हो जाएगा, आइसक्रीम में भी क्रीमीनेस बढ़ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं ये 3 ग्लास और 3 कटोरी। अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी छोटी छोटी कटोरियाँ और ग्लास ले लें। ग्लास में हम आइसक्रीम स्टिक लगाएंगे और कटोरी में नहीं लगाएंगे। अगर अब हम इसमें ये हमारे मिक्सर को डालेंगे, बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार आइसक्रीम बनकर तैयार होने वाली है। इसलिए आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब हम किसी भी पॉलीथीन से इसे कवर कर देते हैं ताकि बर्फ़ की क्रिस्टल हमारी आइसक्रीम के ऊपर ना जमे और ऊपर से हम रबड़ लगा देंगे। अब हम चाकू की नोक से इस तरह से एक कट लगा लेंगे जिसमें कि हम आइसक्रीम स्टिक डाल सकें। और ये हमने इसमें स्टिक डाल दी है। बस इसी तरह से हम सारी आइसक्रीम को कवर करके फ्रीज़र में रख देते हैं 10 से 12 घंटे के लिए। तो ये हमने आइसक्रीम को फ्रीज़र में से बाहर निकाल लिया है और अब हमें इस ग्लास को इस तरह से पानी में डालना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसको इसी तरह से रखना है ताकि आइसक्रीम हमारी जल्दी से बाहर निकल जाए। और हमने इसे जो कवर किया था इसे भी हम निकाल लेते हैं, रबड़ और ये पॉलीथीन। और ये देखिए आसपास से छूट चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इस कटोरी वाली आइसक्रीम को निकालेंगे, इसे भी हम पानी में कर देते हैं थोड़ी सी ताकि ये हमारी जल्दी से बाहर आ जाए। बहुत ही कम सामान में तैयार होने वाली हमारी ये आइसक्रीम, बहुत ही कम सामान में हमने ये चॉकलेटी आइसक्रीम को तैयार किया है। तो ये हमारी चॉकलेटी आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।